हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आई थिंक वॉइस वगैरह सब क्लियर है। एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो सब कुछ क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं। कमेंट करना यार जल्दी से, वॉइस क्लियर है तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन। ओके, सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे और जो भी उसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, चलो आई थिंक वॉइस वॉइस सब क्लियर है, स्टार्ट करते हैं हम, फिर जुड़ते जाना जितने भी लोग हैं। ओके, चलो बीच में कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। ओके, सो चलो आज हम पढ़ेंगे सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स के बारे में, टिश्यूज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे, कल या परसों। तो ये सेल के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में है क्लास 8th में और क्लास 9th में, ठीक है। और जो टिशूज है वो भी क्लास 9th में है। तो टिशूज सीटेट में तो नहीं पूछता, एसटेट में पूछता है क्योंकि वो 9th क्लास में। सीटेट में बस छठी से आठवीं तक के ही क्वेश्चन आते हैं, तो उनको ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलो, सो सेल हमें पता है, सेल या कोशिका क्या है? हमारी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। सेल किसने डिस्कवर की थी पहली बार या किसने देखा था पहली बार? तो वो देखा था रॉबर्ट हुक ने। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे हम। ओके, तो पहली बार सेल्स को देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इन्होंने किस में सेल देखी थी? इन्होंने देखी थी वुडन कॉक में। ओके, जो बॉटल में लगता है ना वुडन कॉक, उसमें देखी थी। और इन्होंने इसको टर्म दी थी जो कि लैटिन टर्म थी सेलुला। सेलुला का मतलब होता है सिंपली कंपार्टमेंट। ओके, क्योंकि इन्होंने कंपार्टमेंट देखे, इन्होंने कह दिया भाई सेलुला है ये। सेलुला का मतलब क्या है? कंपार्टमेंट्स। इन्होंने क्या देखा था? इन्होंने देखी थी बेसिकली डेड सेल्स वॉल। ओके, मतलब डेड सेल्स देखी थी कॉर्क के अंदर। चलो, रॉबर्ट हुक ने तो डेड सेल देखी थी, लेकिन लिविंग सेल सबसे पहले किसने देखी थी? तो ये देखी थी एंटन वैन लीवेनहुक ने। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने लिविंग सेल देखी थी लगभग 1674 के आसपास, ठीक है। और वो पहली सेल कौन सी थी? वो थी प्रोटोजोआन सेल। ये सेल देखी थी इन्होंने तालाब में। ओके, इन्होंने एंटन वैन लीवेनहुक ने क्या कहने, एनिमल क्यूल्स, इसका मतलब है स्मॉल एनिमल्स, ठीक है। मतलब इन्होंने पहली बार देखी थी, इन्हें लगा कि ये तो छोटा सा जानवर है, इन्होंने नाम दे दिया इसको एनिमल क्यूल्स। ओके, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। इसको रॉबर्ट हुक के साथ कभी भी कंफ्यूज मत करना। ओके, सेल्स डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। 1839 में परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म को कॉइन किया था, ठीक है, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस जो कि प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर। क्लियर है? तो ये टर्म्स अच्छे से नोट डाउन करते जाना। चलो, अब सेल्स को हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर आर्किटेक्चर इनटू टू सब ग्रुप्स, जिन्हें कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती हैं? जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और जिनमें कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, जैसे कि हमारी सेल्स या फंगस की सेल्स, ठीक है। ये सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल है।
प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं प्रीमिटिव सेल्स, मतलब बैक्टीरिया के सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, यूकैरियोटिक मतलब एनिमल सेल्स जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है और कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है और कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, ओके। तो ये है प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि हो सकती है एक बैक्टीरिया के सेल, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियस के चारों तरफ। इस मास को कहते हैं न्यूक्लियोइड, ओके। बाकी ये फ्लैजिला है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाकी ये साइटोप्लाज्म है, ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। और ये होते हैं पिलाई, जो कि हेल्प करते हैं इनके रिप्रोडक्शन में, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल फंगस, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, ये सभी क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्जी वेसिकल्स या गोल्जी अपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये सभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो अब आती है बात सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी 1839 में मैथियास लीडन एंड थियोडोर स्वान ने, ओके। इन्होंने सेल थ्योरी दी, या सेल डॉक्ट्राइन, मतलब एक बिलीफ कहते हैं डॉक्ट्राइन को, सेट ऑफ बिलीफ। इन्होंने क्या कहा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल थ्योरी से क्वेश्चन आता है कि किसने दी थी? तो ये दी थी स्लीडन एंड स्वान ने, जिनका पूरा नाम है मैथियास स्लीडन एंड थियोडोर स्वान। चलो बाकी सेल थ्योरी में किसने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया? तो ये दिया 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने, इन्हें फादर ऑफ पैथोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसके लिए इन्होंने एक पर्टिकुलर टर्म दी, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि जो लिविंग सेल्स हैं वो आई हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से सेल्स प्रकट हो जाती हैं। सपोज ये सेल ऑलरेडी है, तो इससे जो भी नई सेल आएगी, तो ये नई सेल कहाँ से आई है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, जो ऑलरेडी प्रेजेंट है ये सेल वहीं से आई है, ठीक है। तो यही चीज़ कही रुडोल्फ वर्चो ने, और इन्हें कहते हैं फादर ऑफ पैथोलॉजी, ठीक है। ये टर्म्स अच्छे से याद करते जाना। चलो अब ये कंपोनेंट्स देख लो मॉडर्न थ्योरी के, मॉडर्न सेल थ्योरी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो पहला है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल और मोर सेल्स, है ना, या तो सिंगुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सभी सेल्स कहाँ से अराइज हुई हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता कि सेल्स अपने आप आ जाती हैं, ओके। थर्ड है कि सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे घरों से, घर किससे बनता है? ईंट से बनता है ना, वैसे ही सेल्स आपस में जुड़ के क्या बनाती हैं? कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। सेल्स में होता है डीएनए, जो कि एक्ट करता है हेरिडिटरी मटेरियल की तरह, और वो वन सेल टू, मतलब जो पेरेंट सेल है वो डॉटर सेल में पास होती रहती है, ठीक है। और क्या कहता है ये मॉडर्न थ्योरी? और क्या कहती है कि एनर्जी फ्लो अकर्स विद इन द सेल, है ना, मतलब जो भी खाना जाता है कैसे होता है, सेल्स में एटीपी बनते हैं, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, सेल्स के द्वारा यूज होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं सेल्स में ही। तो ये है इसका फिफ्थ पॉइंट। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी को कौन डिसओबे करता है या नहीं मानता है? तो वायरस जो है वो सेल थ्योरी को ओबे नहीं करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सेल थ्योरी को डिसओबे करता है, ओके। अगर क्वालिटी कम ज़्यादा हो ना, तो प्लीज़ अपनी वो क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लेना, ठीक है, 360 या 480 कर लेना। चलो देन एट्थ क्लास में सिंपल सा है कि नंबर ऑफ सेल, तो नंबर ऑफ सेल हो सकते हैं या तो ऑर्गेनिज्म होता है सिंगुलर अमीबा की तरह, या हो सकता है मल्टी सेलुलर ह्यूमन्स की तरह, ठीक है, या प्लांट्स की तरह। शेप ऑफ सेल के बारे में कहा है कि
इरेगुलर हो सकती है, जैसे अमीबा और डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, डब्ल्यूबीसी की कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, आरबीसी की एक फिक्स शेप है, मतलब इस तरह से होता है आरबीसी डिस्क लाइक। कुछ सेल होती हैं सर्कुलर, कुछ होती हैं इलोंगेटेड, जैसे कि इस स्लाइड में देख सकते हो आप। तो अमीबा इरेगुलर है, ये आई थिंक युग्लिना है, ये पैरामीसियम, ये नर्व सेल इलोंगेटेड होती है, और सबसे लंबी सेल होती है नर्व सेल। ठीक है, ये क्वेश्चन आए कि सबसे लंबी सेल्स बॉडी में कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं हमारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल। ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं रॉड की तरह या एक धागे की तरह। तो ये हैं अलग अलग सेल्स के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, चलो देन आता है साइज के ऊपर कि साइज क्या हो सकता है सेल्स का। तो सेल्स का साइज हो सकता है 1 मीटर के मिलियंथ पार्ट के जितने, मतलब माइक्रोमीटर या माइक्रोन, या हो सकती हैं वो फ्यू सेंटीमीटर्स की। ठीक है, स्मॉलर सेल का साइज क्या है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, जो कि होती हैं बैक्टीरिया, बहुत छोटे होते हैं। और लार्जर सेल क्या है, शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच का अंडा। ठीक है, इसका साइज कितना हो सकता है, 170 mm टू इंटू 130 mm तक। ओके, चलो देन आते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाएंगी, टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू आपस मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, है ना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गन सिस्टम से पूरी बॉडी या पूरा इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, देन आते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। तो बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं सेल्स के, सेल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि सब जो भी सेल्स के अंदर चीज़ें उनको बांध के भी तो रखना है ना। साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनील्स होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि वो एनक्लोज करता है साइटोप्लाज्म को और सभी सेल ऑर्गेनील्स को, और एक दूसरे से अलग भी करता है सेल्स को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट होती है, ये भी हम आगे और पढ़ेंगे। चलो देन आती है प्लांट सेल वॉल। तो प्लांट सेल वॉल क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी प्लांट सेल्स पे एक कोटिंग प्रेजेंट होती है, उसे कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, ये मोटी होती है, थिक होती है ज़्यादा। प्लांट सेल्स बेसिकली बनी है सेलुलोज की, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, और एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स को। ठीक है, एक स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। और प्रोटेक्ट करता है आउटर एनवायरनमेंट से, जैसे कि टेम्परेचर, हाई विंड, एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि देखो प्लांट कपड़े तो पहन नहीं सकते, तो नेचर ने अपने आप ही इन्हें फिक्स कर दिया है कि इनकी इनको सेल वॉल दे दी है, ताकि सभी कंडीशंस में ये बचे रह सकें। ओके, फंजाई और बैक्टीरिया में भी क्या होता है, सेल वॉल होती है जो कि इन्हें बचाती है बहुत हार्श कंडीशन से ही, और यही कारण है कि फंगस और बैक्टीरिया कई बार मरते नहीं हैं। फंगस में सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और उस पर मोस्टली एंटीबायोटिक्स एक्ट नहीं करती हैं। ओके, चलो प्लाज्मोलिसिस का एक टॉपिक है इसमें। तो ये इसमें क्या है कि जब प्लांट सेल से वाटर लॉस होता है या ऑस्मोसिस होता है, तो जो प्लांट सेल है वो क्या हो जाती है, श्रिंकेज हो जाता है उसमें। ठीक है, इस फेनोमेना को कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब हाइपरटॉनिक होगा, मतलब हाइपरटॉनिक जब बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, सपोज नमक का एग्जांपल ले लो कि एक सेल पड़ी है नमक के सॉल्यूशन में और उसमें नमक बहुत ज़्यादा है, तो सेल्स में जो भी वाटर कंटेंट है वो बाहर आ जाएगा और सेल्स श्रिंक हो जाएगी, और सेल वॉल ऐसी दिखेगी। ठीक है, सेल वॉल ऐसी दिखेगी, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और जो भी उसके अंदर का कंपोनेंट है वो श्रिंकेज हो जाएगा उसमें। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट। चलो देन आता है आइसोटॉनिक। आइसोटॉनिक मतलब जब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन, सॉरी यार सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्वेंट तो पानी हो गया, जब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन ज़्यादा है तो सारा पानी बाहर चला जाएगा। ठीक है, आइसोटॉनिक में क्या होगा, जब सॉल्यूट नॉर्मल है, कोई ना ज़्यादा है ना कम है,
तो पानी का जो इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट वो नॉर्मल रहेगा, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है वो ठीक रहेगी, उसमें कोई सिंकेज नहीं होगा। हाइपरटोनिक का मतलब जब सेल के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है और यहाँ पे बाहर है, तो पानी कहाँ होगा, पानी की इनवर्ड मूवमेंट होगी और सेल फूल जाएगी, ठीक है, बल्ज हो जाएगी, टर्जिट हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं फ्लैसिड, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड या प्लाज्मो लाइसिस हो गया है, और इस कंडीशन को कहते हैं जब सेल फूल जाती है, इसको कहते हैं टर्जिड, ठीक है। जब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन बाहर ज़्यादा है तो ऑफकोर्स सारा पानी बाहर चला जाएगा, जब सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन नॉर्मल है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, मतलब नॉर्मल मूवमेंट होगा, ना पानी ज़्यादा बाहर जाएगा ना पानी ज़्यादा अंदर आएगा। जब हाइपरटोनिक है, सेल के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट है, तो पानी अंदर आ जाएगा और सेल टर्जिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये टर्म्स याद रखना, प्लाज्मोलाइसिस याद रखना, जब बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो जाएगा तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें सिंकेज हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट यार, चलो तो ये प्लांट सेल देख सकते हो आप, आउटर सेल वॉल, ये येलो वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल में बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ओके, और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और बहुत और भी बहुत चीज़ें होती हैं, हमें इतना नहीं पढ़ना है। चलो 9th क्लास की पढ़ते हैं, तो 9th क्लास में माइक्रोस्कोप के बारे में है, तो ये पढ़ लो यार, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जहाँ से हम देखते हैं, इसको कहते हैं आई पीस, ये क्या है, कोर्स एडजस्टमेंट है, ये है बॉडी ट्यूब, ओके, ये हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ओके, और यहाँ पे माइक्रोस्कोप स्लाइड रखते हैं, और ये जो नीचे एडजस्ट करते हैं ये होता है मिरर, ओके, और ये है आर्म, तो ये याद रखना आप लोग। चलो देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक और पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये 9th में भी है, ऐसे पढ़ लिया हमने काफ़ी कुछ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है आउटर मोस्ट लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है सेल टू सेल सिग्नलिंग में, बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स में, मतलब सेल सेल मेम्ब्रेन पे ही कोई प्रोटीन आके बाइंड करेगा वहाँ पे, ओके, प्रोटेक्शन का काम करती है, और अलाउ करती है कुछ सब्सटेंस के या कुछ पार्टिकल्स के मूवमेंट को, और इस प्रोसेस को कहते हैं या इस स्पेशल एक्टिविटी को कहते हैं सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, कि जब ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सम स्पेशल पार्टिकल, ठीक है, मतलब कुछ ही को अलाउ करेगी कि वो सेल्स के अंदर जा सकते हैं, सेल के बाहर जा सकते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं सेमी परमीएबिलिटी या सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबको अंदर बाहर नहीं जाने देती है, केवल कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस या पर्टिकुलर पार्टिकल्स ही जा सकते हैं मेम्ब्रेन के अंदर बाहर। CO2 और O2 कैसे अंदर बाहर होते हैं, उनका इनवर्ड या आउटवर्ड मूवमेंट कैसे होता है, वो होता है प्रॉपर डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन क्या है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आती है तो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, और है ना, और ब्लड वेसल में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो बेसिकली सेल्स के अंदर अपने आप वो डिफ्यूज हो जाती है, और CO2 यहाँ पे कम है, सेल्स में ज़्यादा है, तो CO2 ब्लड वेसल में चला जाता है, और फिर हार्ट के थ्रू और लंग के थ्रू वो अपने आप ऑक्सीजनेट हो जाता है, ठीक है। चलो ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर ऑल्सो ऑकर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन थ्रू सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन या थिन मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन। ओके, और जो प्लांट में एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वो भी किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है, जाइलम वेसल्स के थ्रू, और इस प्रोसेस को कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। ओके, चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है ना, और इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, जिनका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है,
चैनल प्रोटीन्स होते हैं ताकि मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर जा सकें। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं सिग्नलिंग के लिए कि जो भी चीज़ आती है सेल के बाहर तो वो सेल सिग्नलिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रोल होते हैं ताकि जब हीट हो तो वो अलाउ करते हैं सेल मेम्ब्रेन की मूवमेंट को एडजस्ट करने में। ओके, इतना आएगा नहीं, चलो चलो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ये डबल लेयर स्ट्रक्चर है ना। इसके कवरिंग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में होते हैं पोर्स जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है मटेरियल्स का फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। न्यूक्लियस में होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है तो डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? क्रोमेटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्रोमेटीन मटेरियल कैन बी विजिबल एज इंटरवाइंड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना। क्रोमेटीन कैसा दिखता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है। जब सेल डिवाइड होने को होती है तो क्रोमेटीन कंडेंस हो जाते हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है, जो कि हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाले फेज में। ओके, चलो क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन्स होते हैं, है ना। न्यूक्लियोसोम्स जैसे कहते हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन जो कि हेल्प करते हैं डीएनए बाइंडिंग को। डीएनए में सभी को पता है इंफॉर्मेशन होती है, जीन्स होती हैं, कुछ फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जीन्स। पूरा का पूरा डीएनए इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता है, कुछ उसमें अननेसेसरी चीज़ें भी हैं जो कि टाइम के साथ हमारे डीएनए में आ गई हैं, ठीक है। तो जीन क्या है? जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करती है, मतलब उसे डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर पर्टिकुलर प्रोटीन बनता है। ओके, सेलुलर रिप्रोडक्शन में न्यूक्लियस का ही रोल है क्योंकि न्यूक्लियस में है डीएनए, और जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर है किस फॉर्म में स्टोर है? वो डीएनए के फॉर्म में स्टोर है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। चलो प्रोकैरियोट्स में क्या है? न्यूक्लियस इतने अच्छे से नहीं होता है तो जो भी ये डीएनए होता है इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? फ्लूइडिक कंटेंट है जो कि प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, या जो भी लिक्विड पोर्शन है वो है साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो सिग्नलिंग या कोई भी चीज़ कैरी आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई प्रोटीन बनता है तो वेसिकल की फॉर्म में वो स्विम करके या ट्रैवल करके आसानी से गोल्जी बॉडी तक पहुंच सकता है ना। और भी साइटोप्लाज्म के फंक्शन है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, लिक्विड पोर्शन नहीं होगा, तो सेल क्या हो जाएगी? रपच्चर हो जाएगी, है ना, मतलब खोखली हो जाएगी। चलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर किसने किया था? ये कीथ पॉटर ने किया था 1953 में। ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, इसके दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER एंड RER, ठीक है। RBC एंड स्पर्मेटोजोवा में ER नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, न्यूक्लियस से बाउंड होता है। न्यूक्लियस से बाउंड कौन सा होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो छोटे छोटे बीट्स देख रहे हो आप, ये है राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स होती हैं प्रोटीन फैक्ट्री जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। चलो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देख लेते हैं। तो ये हेल्प करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स, और ये बहुत ज़रूरी है सेल फंक्शनिंग के लिए क्योंकि लिपिड भी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सम ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। जैसे हमने पढ़ा अभी लिपिड मेम्ब्रेन, तो मेम्ब्रेन में लिपिड्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, तो वो कहाँ पर बनते हैं? SER में ही बनते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही बनते हैं। इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजिनेसिस। ओके,
और बाकी जो प्रोटीन है और लिपिड्स हैं वो काम करते हैं एंजाइम्स की तरह एंड हार्मोन्स की तरह। कुछ वर्टिब्रेट के लीवर्स में SER का रोल क्या है? डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन्स एंड ड्रग्स, मतलब उसको डिटॉक्सिफाई करता है। ओके चलो RER, तो RER पे तो नॉर्मल सी बात है, इस पे राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो इसमें सिंथेसिस होती है प्रोटीन्स की। राइबोसोम्स वैसे भी कहलाते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है। और ये काम, एक मिनट यार, दे ऑल्सो सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल स्पेशली फॉर प्रोटीन। जब हम गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे ना तो इसका रोल क्लियर हो जाएगा कि जो भी प्रोटीन बनता है ना उसको वो पैकेज होता है अच्छे से, तो यहाँ से वेसिकल निकल के वो जाते हैं गोल्जी बॉडी में, ठीक है। वहाँ पे वो प्रॉपर पैक हो जाते हैं या उनकी डेस्टिनेशन फाइनल हो जाती है कहाँ पे उन्हें जाना है। और ये यार क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं सेल्स को, ठीक है। चलो गोल्जी बॉडी क्या है, गोल्जी बॉडी किसने डिस्कवर की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। ये फ्लैटेंड, एक मिनट यार, ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, फ्लैटेंड सैक की तरह होते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं इनको, बताऊंगा मैं अभी किसको कहते हैं सिस्टर्नी। इनका फंक्शन क्या है? पैकेजिंग का फंक्शन है, ठीक है। किसकी पैकेजिंग? प्रोटीन्स की पैकेजिंग करते हैं ये। और किस में इन्वॉल्व हैं ये? लिपिड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हैं और लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में भी गोल्जी अपरेटस इन्वॉल्व है। तो ये जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है ये है गोल्जी अपरेटस का। जैसे मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन्स वेसिकल्स में चले जाते हैं, कहाँ पे? गोल्जी बॉडी में जाते हैं। जो ये साइड होती है इसको कहते हैं सिस साइड, ओके। और जहाँ से प्रोटीन निकलता है ये होती है ट्रांस साइड, ठीक है। एक मिनट यार, और ये जो पर्टिकुलर ये दिख रहा है ना, ये जो सैक है ये होती है सिस्टर्नी। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से जो भी प्रोटीन आएगा वो वेसिकल के फॉर्म में आता है, यहां से अंदर चला जाता है प्रॉपर पैक होके, मतलब प्रोटीन ना ऐसे बनते हैं तो प्रॉपर इनकी पैकिंग हो जाती है, वो समझो इस तरह से पैक हो जाते हैं, बॉन्डिंग वॉन्डिंग हो जाती है उनमें, प्रॉपर पैक हो जाते हैं वेसिकल के अंदर, और वो यहाँ से बाहर चले जाते हैं ट्रांस साइड से, ठीक है। ये सब समझने के लिए था, इतना आएगा नहीं है तो MSc की चीज़ें में से या हायर। चलो लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स डिस्कवर किए थे क्रिस्टियन डी डुवे ने 1955 में, और क्रिस्टन डी डुवे ने डिफाइन परोक्षी सोम्स को भी डिफाइन किया था 1965 में, ठीक है। ये भी क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक सेल ऑर्गेनील्स हैं, यू कैरियोट्स में होते हैं, इनमें होते हैं बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिसके कारण इन्हें कहते हैं सुसाइडल बैग्स या डिस्पोजल सेंटर ऑफ सेल, क्योंकि इसमें जो भी डेब्रिस है, जो भी कूड़ा करकट है सेल्स का या सेल ऑर्गेनील्स का, वो यहीं पे जाके डिकम्पोज होता है, ठीक है। और जब सेल खुद भी डिस्ट्रप्ट हो जाती है तो उसका लाइसोसोम उसे खा लेता है, ठीक है, डाइजेस्ट कर लेता है, और इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। क्लियर है? ये कुछ टर्म्स याद रखना कि सुसाइडल बैग्स किसे कहते हैं या डिस्पोजल सेंटर सेल का कौन सा है, तो ये है लाइसोसोम। क्लियर है? चलो देन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था? एल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने 1857 में। देन बायोब्लास्ट टर्म दी किसने? रिचर्ड एल्टमैन ने 1886 में। देन कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दी 12 साल बाद इसके, ओके तो 1898 में दी, 1898 में कार्ल बेंडा ने इसको टर्म दी माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को कहते क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे होता है ATP का सिंथेसिस। ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसी फॉर्म में हमारी सेल्स एनर्जी को यूज करती है। जो भी हम खाना खाते हैं वो जाके यूज कहाँ होता है? वो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसमें ATP बनते हैं। ATP
एटीपी हमारी सेल्स या हमारी बॉडी यूज करती है बाकी सभी फंक्शन करने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी मसल्स यूज कर रही हैं एटीपी। ओके, एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। जैसे इंडिया में रुपए हैं ना, तो उसी तरह से एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। मतलब सेल्स बस इसी को पहचानती है कि ये मिल गया तो हम काम कर देंगे। आई होप क्लियर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है इसमें। जो आउटर है ये पोरस होता है ताकि प्रोटीन का जो भी मटेरियल इसमें बन रहा है, जो भी सब्सटेंस इसमें सिंथेसाइज हो रहे हैं, वो अच्छे से इनवर्ड और आउटवर्ड जा सकें। इनर इनर जो मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा फोल्डेड है, ठीक है, और यहीं पे एटीपी जनरेटर काइंड ऑफ थिंग लगे रहते हैं और वहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। ओके, और ये फोल्डेड इसीलिए ताकि सरफेस एरिया बढ़ सके। एक और अच्छी बात माइटोकॉन्ड्रिया की, इसका खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, तो ये अपने प्रोटीन्स खुद ही बना लेता है। और यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि ये बहुत करोड़ों साल पहले या बहुत पुराने टाइम में माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है कोई बैक्टीरिया था जिसने लिविंग सिस्टम के साथ या हमारे साथ जीना सीख लिया। सिम्बायोटिक थ्योरी जिसे कहते हैं, ठीक है। चलो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं। तो ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रियल का खुद का डीएनए होता है और इनर और आउटर के बीच में जो भी स्पेस प्रेजेंट है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, इंटर ये सॉरी, ठीक है। और ये छोटे छोटे डॉट्स देख रहे हो आप लोग यहाँ पे और यहाँ पे, ये है राइबोसोम्स, इसलिए अपनी प्रोटीन खुद ही बना लेता है, ठीक। और ये क्या है? ये है क्रिस्टा, क्रिस्टी कहते हैं इन्हें। और जो इनर मेम्ब्रेन का ये अंदर का स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। चलो ध्यान आते हैं प्लास्टिड्स पे। प्लास्टिड्स डिस्कवर किए थे अर्नस्ट हैकल ने। ये किसकी साइट है? ये साइट है मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ केमिकल कंपाउंड्स यूज्ड बाय ऑटोट्रॉप्स। अब इसमें ऑटोट्रॉप्स हैं क्या? प्लांट्स हैं, ठीक है। प्लास्टिड होते हैं दो तरह के, एक है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? कलर्ड प्लास्टिड हैं, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का किसमें रोल है? सबसे इम्पोर्टेंट फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट क्या हो सकते हैं? येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट हो सकते हैं इन एडिशन टू क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोफिल का क्या पिगमेंट होता है? ग्रीन होता है। चलो सेकंड टाइप क्या है प्लास्टिड की? लिकोप्लास्ट, जिनका मतलब जो कलरलेस होते हैं या वाइट होते हैं, ये क्या है? प्राइमरी ऑर्गेनिल्स हैं। इनमें क्या स्टोर होता है? स्टार्च, ऑयल्स, प्रोटीन ग्रैन्यूल स्टोर होते हैं इसमें, और ये फैटी एसिड्स और टर्पीन्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, फिर इनका इस्तेमाल होता है अदर सब्सटेंस बनाने के लिए। ओके, तो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन। इस कनेक्शन को कहते हैं लैमिला। एक सिंगल इसको सैक को कहते हैं थाइलेकोइड। ये जो स्पेस है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, या जो फ्लूइड है इसको कहते हैं स्ट्रोमा, और ये जो देख रहे हो इसे कहते हैं ग्रैनम, ठीक है। ये जो है ग्रैनम कहते हैं इसे। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब जो सिंगल है इसको कहते हैं थाइलेकोइड और ये जो पूरा है इसको कहते हैं ग्रैनम, और थाइलेकोइड के अंदर की जगह को कहते हैं ल्यूमन। ओके, चलो चलो अब आते हैं वैक्यूल्स के ऊपर यार। चलो तो वैक्यूल्स क्या हैं? स्टोरेज सैक्स हैं फॉर लिक्विड एंड सॉलिड, जिसमें हो सकता है लिक्विड भरा हो या सॉलिड भरा हो। एनिमल्स में तो हो सकते हैं बहुत छोटे हों, लेकिन प्लांट में बहुत बड़े होते हैं। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट में वो तकरीबन 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। जो प्लांट में होते हैं इनमें भरा होता है सैप, और ये प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी, मतलब सेल्स अच्छे से टाइट रहे।
इसीलिए प्लांट सेल या प्लांट बहुत टच करने में बहुत सॉलिड होते हैं, टाइट फील होते हैं, है ना, रिजिड होते हैं। और क्या क्या स्टोर होता है इसमें? अमाइनो एसिड स्टोर होते हैं, शुगर स्टोर होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन स्टोर होते हैं इन वैक्यूल्स में, ठीक है। अमीबा में क्या है, फूड वैक्यूल होता है और इसमें बेसिकली फूड होता है, ठीक है, जो भी इसने खाया होता है। बाकी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें वैक्यूल्स का फंक्शन है एक्सक्रिएशन का भी। तो चलो जल्दी इस क्वेश्चन करते हैं। सेल में इतना ही था, सेल डिवीजन बहुत बड़ा है तो उसको कल या परसों करेंगे। टिशूज भी हैं फिर सेल में, तो उनको आने वाले वीडियोज में करेंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, आई होप चलो क्लोरोप्लास्ट ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिल है, सेल है, टिश्यू है या ऑर्गन है? जल्दी से रिप्लाई करो। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक सेल ऑर्गेनिल है, ठीक है। हेलो एवरीवन, चलो जल्दी से रिप्लाई करो। सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लीडन एंड स्वान या रुडोल्फ वर्चो। सेल थ्योरी 1839 में किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी स्लीडन एंड स्वान ने, ठीक है, उसके बाद रुडोल्फ वर्चो ने उसमें अपना कुछ ऐड किया। तो जिसका भी सेकेंड का सी है दे आर राइट, ओके। चलो सेल ऑफ अमीबा इज स्पाइंडल शेप, सर्कुलर, इरेगुलर या नन ऑफ द अबव। अमीबा की सेल कैसी है? स्पाइंडल की तरह है, सर्कुलर है या इरेगुलर है? तो अमीबा की सेल हमने पढ़ा है इरेगुलर होती है, कोई पर्टिकुलर इसका शेप नहीं होता है, ठीक है। तो जिसका भी ये ठीक है, इरेगुलर, दे आर राइट। चलो द पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड एज। सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं? गोल्जी बॉडी को कहते हैं, लाइसोसोम्स को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं या प्लास्टिड्स को कहते हैं? तो अभी अभी हमने पढ़ा पावर हाउस कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहां पे होती है एटीपी सिंथेसिस। तो जिसका भी फोर्थ का सी सही है दे आर राइट। चलो द ऑर्गेनिल विच फंक्शंस एज डाइजेस्टर। डाइजेस्टर की तरह हमारे सेल्स में कौन सा सेल ऑर्गेनिल काम करता है? गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स या राइबोसोम्स? चलो एक और हिंट देता हूँ, सुसाइडल बैग्स इसको कहते हैं, लाइसोसोम्स को कहते हैं, ठीक है। और डाइजेस्ट भी यही करता है हमारे सेल्स में, जो भी डेब्रिस से जो भी कूड़ा करकट है कौन हटाता है? लाइसोसोम हटाता है, ठीक है। तो फाइव का सी सही है। चलो द साइट ऑफ पैकेजिंग इन सेल इज, पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, यहां पे सॉरी टू ऐड, प्रोटीन की पैकेजिंग के लिए कौन सा पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनिल है हमारी बॉडी में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस या प्लास्टिड? तो जो भी प्रोटीन्स बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो बाद में जाते हैं गोल्जी अपरेटस में पैकिंग के लिए, ठीक है। तो हमारी सेल में पैकेजिंग होती है गोल्जी अपरेटस में, ठीक है। एक्चुअली राइबोसोम में जब प्रोटीन बनता है ना तो वो चैन की एक लीनियर चैन के फॉर्म में होता है, ओके। फिर वो चला जाता है गोल्जी अपरेटस में प्रॉपर पैकेजिंग के लिए, ठीक है। पैकेजिंग हो जाती है, उसमें बॉन्डिंग वॉन्डिंग ऐड हो जाती है,
तो प्रॉपर पैक हो जाता है और वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो वो वेसिकल के अंदर चाहे तो वो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, या सेल्स में भी कहीं ज़रूरत होती है तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ओके, आई होप समझ गए हो। चलो, डैश आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज किसको कहा जाता है, या कौन से सेल ऑर्गेनिल्स को कहा जाता है? राइबोसोम्स को, गोल्जी बॉडीज को, माइटोकॉन्ड्रिया को, या न्यूक्लियस को? तो प्रोटीन बनते हैं राइबोसोम्स में, ठीक है, और राइबोसोम्स को ही कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज। सेवेंथ का ए इज द राइट आंसर। चलो, प्लांट कैन विथस्टैंड विद हार्श कंडीशंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट बहुत ही हार्श कंडीशन में रह सकते हैं क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा भी एक चीज़ जिसे कहते हैं सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सभी में प्रेजेंट है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है कोर लेयर जिसको कहते हैं सेल वॉल, और ये इसको बचाती है टेम्परेचर से, एटमोस्फेरिक प्रेशर से, और भी कई चीज़ों से, ठीक है। बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंगस में भी प्रेजेंट होती है। प्लांट में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, फंगस में सेल वॉल बनी होती है काइटिन की, ओके, और बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन्स की, ठीक है। इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं, और यही कारण है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करना टफ हो जाता है कई बार। वैसे आजकल एंटीबायोटिक हैं तो ट्रीट हो जाता है, लेकिन फंगस इन्फेक्शन बहुत रिस्की होते हैं। चलो, दिस सेल ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए। अब इनमें से किसमें डीएनए नहीं है? न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, लाइसोसोम्स में, क्लोरोप्लास्ट में? न्यूक्लियस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, प्लास्टिड है एक तरह का, और उसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स में डीएनए नहीं होता है, ठीक है। तो इस आंसर में लाइसोसोम्स क्या है, ठीक है, क्योंकि इसमें डीएनए नहीं है। चलो, लास्ट क्वेश्चन, कि द सेल थ्योरी इज नॉट अप्लीकेबल टू। सेल थ्योरी किस ऑर्गेनिज्म के लिए या किसके लिए अप्लीकेबल नहीं है? वायरस के लिए, फंगस के लिए, एनिमल्स के लिए, या प्लांट्स के लिए? तो वायरस में कोई भी सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं, या वो सेल थ्योरी को ओबे नहीं करते हैं, ओके। तो इसका राइट आंसर है वायरस। चलो, आज इतने ही क्वेश्चन थे यार, बाकी जब सेल पूरी कर लेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस हो जाएंगे सेल डिवीजन एंड टिश्यूज में। एक मिनट यार, तो चलो मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। आई होप वीडियो आओ अच्छा लगा हो। चलो, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। पढ़ते रहिए क्योंकि सब कुछ कवर नहीं हो पाएगा, तो एनसीईआरटी में जो भी इम्पोर्टेंट है प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लिया करो, या डायरेक्ट बुक से ही पढ़ लो, और जो भी इम्पोर्टेंट टर्म है उस पर हाईलाइट करके उसको ध्यान में रखो, ओके, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है और इसी मेथड से आप पढ़ सकते हो। बट एटलीस्ट रीडिंग पूरी बुक की मार लो, इतने बड़े टॉपिक भी नहीं है, कवर हो जाएंगे जल्दी, ठीक है। तो चलो, गुड नाइट।